अच्छा बाबूजी, पुनः हम गायिका नीतू राज एक भी रहा आप लोगों के बीच में बड़ी ही दर्दनाक कहानी एक कांड के रूप में हम आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे बड़े भैया ओपीजी के माध्यम से ओपी म्यूजिक के सौजन्य से ही बिरहा आप लोगों के बीच में जात बा आप सब लोगों के बहुत बहुत प्रणाम करत हनी और चार लाइन भूमिका में कवि जी लिखत हनी का लिखत हनी लाइन पर गौर करिहन बाबूजी बड़ा डूब के कभी जे भूमिका के लिखले हुए एक एक शब्द पर आप गौर फरमाएंगे। क्या कहे आज मानव को क्या हो गया अपने ही राह में कांट बोने लगा ख्याल कुछ भी नहीं अपनी गरिमा का गए आदमी अपना अस्तित्व खोने लगा है गाथा लिखते कलम भी शर्म खा गई रिश्ता सासू बहू का भी रोने घोर कलयुग की लीला शुरू हो गई पाप घर घर सिया राम होने लगा गौर करेंगे बाबूजी इंसान से अच्छे तो वो परिंदे हैं इस इंसान से अच्छे तो वो कुत्ते हैं जो फर्ज निभाना जानते हैं लेकिन हम और आप इंसान होकर भी दरिंदे बन चुके हैं। अरे वाह 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 फर्ज निभाना तो दूर हम अपना फर्ज पूरा भी नहीं कर पाते गाथा लिखते कलम भी शर्म खा गई रिश्ता सासू बहू का भी रोने लगा घोर कलयुग की लीला शुरू हो गई पाप घर घर सियाराम होने लगा अरे बाप फिर मैं कहने जा रही हूँ मालिक ना करे किसी के साथ ऐसा हो। एक लाइन गजल है कवन गजल है महाराज आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके मेरे दिल में हमारे आप में कुछ कमियां हैं उसी कमी को कबीर जी की कलम दर्शा रही है क्या इंसान में सबसे बड़ा यह दोष है होता सबसे बड़ा यह दोष है होता पाता है सब मगर ना संतोष है होता बाबा हमरे आप में यह दोष यह कमी है हम लोग कितनो पावल जाई जितने पावल जी उतने लालच बढ़त जाई लालच बढ़त जाई लालच साला रूका का नाम ना लेते अब यही से विराह की कहानी शुरू हो गई बड़ी ऊंची बात शायर के माध्यम से कहा
लालच ने आज मानो को अंधा बना दिया। लालच ने शादी ब्याह को धंधा बना दिया। बीए में जबलपुर से है सतना की दीप सीखा। रीवा के अशोक सिंह से सामंजस्य है दिखा। दोनों में हुआ प्यार करते वक्त पढ़ाई। बोला है अशोक सिंह तब सीखा को चताई। सच्चा है तुझसे प्यार तेरी मांग भरेंगे। साथ साथी साथ मरेंगे। साथ है मरब साथ है जियब। जब ब्याह करब तो तुहरे से करब। ई कहलस के रीवा के अशोक सिंह और बीए में जबलपुर सतना की पढ़ रही जिसका नाम था दीप शिखा। दीप शिखा में और अशोक में, अशोक सिंह में प्यार हो गया। रीवा के अशोक सिंह जब दीपा दीप शिखा से दोनों लोगों का प्यार हो गया। गौर करेंगे बाबूजी, दोनों कसम ले लिए साथ जीने का साथ मरने का। जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। आज जब शादी करब तो तोसे करब। ई दोनों में वादा हो गल, टकरार हो गल, प्यार हो गल। तो गौर करेंगे, बताई ला बार बार बताई ला। ई प्यार सरवा इतना अंधा होला। प्रीत न जाने जात कुजात, नींद नाने टूटी खाट, भूख न जाने जूठी भात। जवानी सबकर सुघर होले ओपी, जवानी सबकर सुघर होले, लेकिन प्यार करे कभी एक उम्र होले। का बताई ये पंचो बुढ़ौती सबकर फूहर होले। ध्यान रहे बहादुर भैया। यही जमर बिरा में एक लाइन गीत लगल बाबा। कवन गीत हलाता गीत बड़ा तहलका मचेल। जब आइल इतना तहलका मचौलेस कि पूछा मत। कौनो मेहरारू कहत छियो का। अरे पानी हम न हैले या जिस सेमपुर से। पानी हम न हैले या जिस सेमपुर से। अवतार सैया सखी टेमपुर से। लेकिन एक लाइन वही में आऊ रह का। बड़ा मूड में है। अरे ओकर दुल्हाय आवत हुआ रामकृत। मूड में न रही कहत एक लाइन आऊ कहलस का। कसी है, अरे कसी है जवानी के कलेपुर से। अरे कसी है जवानी के कलेपुर से। अवतार सैया सखी टेम्पू से। का शादी होई के कहत हो दीप शिखा कहले से एक दिन का कहले से। अरे शादी होई तो हसे हमार सजना। अरे शादी होई तो हसे हमार सजना। राजी रही जब परिवार सजना। कहलेस शादी हम तो से करब, लेकिन हमार शर्त वह है कि जब तुहार
बुरा हमके स्वीकार कैले तब कहना पड़ल का लिखल गई भयल का परिवार हमार परिवार पूरा राजी रही हमार तुहार शादी हुई अगर हमार परिवार नहीं हो राजी रही लेकिन तुहार परिवार अगर हमके स्वीकार कह ले अशोक तो हम जरूर शादी करब जब कहबा तब शादी कर ले हमार सच्चा प्यार है कौनो एक झूठ मत समझे अशोक अइलन अपने घरे अइलन माई से बाबू से पूरी बात बता दिलन की दीप शिखा नाम के लड़की से हम प्रेम करीला उसे शादी कर चाहते आप लोगन का इच्छा है जब बाबू माई सुनन कपार पे हाथ धो लेलन कल की अरे ई का सुनत हिला कहत हवन बाबू अशोक से बाबू माई कहलन का कलन या गीत बदल गिल बाबा यहाँ कहल सुबह ध्यान दियन बाबू माई कहत हुआ अशोक कका खोजले हिला इतना बढ़िया तो रिश्ता खोजले हिला अतू बेटा हमारी इज्जत मत बोरा हमार पगड़ी मत बोरा बेटा बड़ा तो से उम्मीद रख ले हिला बड़ा तो के लेके सपना सजा के रख ले हिला ऐसा मत करो बेटा ऐसा मत करो बोल पड़े अशोक के पिताजी का कहलन अंतरा Yeah.
बाबूजी, ये दुनिया में हम भी बताईला, ये समाज में आए दिन बताने का काम किया जाता है कि माँ बाप से बड़ा भगवान नहीं है। जो औलाद अपने माँ बाप की बातों को न मानता हो, टालता हो, औलाद औलाद नहीं नालायक कही जाती है। लेकिन अगर बाप मतारी गलत करें, अब बेटवा बिटिया के खिलाफ काम करें, तो वो माँ बाप के का कहल जाए, सवाल आप लोगों से। इधर बोल पड़े अशोक कि जिस लड़की से मैं तेरा रिश्ता तय करके आया हूँ बेटा, पूनम नाम की वह लड़की अति सुंदर है और बड़े घर वाली है, इतना दौलत देंगे सब, इतना दहेज देंगे बेटा कि रख नहीं पाओगे, क्यों नहीं उसके साथ शादी कर लेते, छोड़ दो दीपशिखा को, प्रेम किया भूल जाओ उसे। लेकिन इधर अशोक दीपशिखा को भूल नहीं पा रहा है, बाबूजी इतनी मोहब्बत कर रहा है उससे भूल नहीं पा रहा है। लेकिन एक लाइन आप लोगों से सवाल है, ऐसे दहेज लोभियों के लिए कहना है, कभी जी लिखते हैं तेरी में भाव हो, बतावा बतावा कहवा जाई दुनिया, सब ही दहेज लेके यही से नाम कमाई, बतावा कहवा जाई दुनिया, सबकी दहेज लेके ऐसा नाम कमाई, बतावा कहवा जाई दुनिया। ऐसे ही अशोक के पिताजी की तरह दहेज लोभी इस धरती पर हमारे आपके बीच में पनप रहे हैं बाबूजी, इससे मैं अवगत कराना चाहती हूँ, हुआ क्या कहना पड़ा, आइए। अरे लौट पड़ा है अशोक दिल में, बाबू का सक लिए तब बोला है, दहेज लोभी माता पिता है, धूमिल हो गया चोला है, फिर भी तुमसे करूंगा शादी, यही नियम का खेला है, बाप अशोक के मना कर दिए कि पूनम से अच्छी लड़की तुझे और दूसरी कोई मिल ही नहीं सकती, जब तुम शादी करोगे बेटा, मैंने जिसे पसंद किया है उसी पूनम से तुम्हारा रिश्ता होगा, और किसी से करोगे भी तो हम मंजूर नहीं करेंगे। तकलीफ भइल अशोक के, इतना तकलीफ भइल कि माई बाप का जवाब तक ना देवल मुनासिब समझने लौट पड़ा है, और लौट करके जब आया है पुनः शिखा के पास, और जब शिखा को बताया कि ऐ शिखा, यही चाहती हो ना कि मेरे परिवार के लोग राजी खुशी तुझे अपना ले, तू शादी तभी मुझसे करेगी ना, लेकिन सच स्वीकार कर पाओगी, सच कुछ और है। बोल पड़ी शिखा, सच्चा प्रेम करती हूँ, जो कहोगे मैं सुनने को सहर्ष स्वीकार कर लूंगी, सुनने को तैयार हूँ। बोलो अशोक, क्या कहना चाहते हो, आखिर तुम्हारे माँ बाप ने क्या इस रिश्ते से मना कर दिया? बोल पड़ा अशोक, हाँ शिखा, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कोई और लड़की तलाश लिया है, और वो ढेर सारा दहेज रुपया पैसा दे करके मुझसे शादी करना चाहते हैं। तो ऐ शिखा, लेकिन फिर भी अशोक, जब शादी करेगा तो तुझी से करेगा, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, किसी और से शादी करने के लिए मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता शिखा, क्योंकि मैं तुझसे ही प्यार करता हूँ। पांव पकड़ लिया शिखा ने अशोक का, पांव पकड़ के कलश की ना, अशोक अगर मुझसे सच में प्यार करते हो तो जाओ, और जा करके उस पूनम नाम की लड़की से विवाह कर लो। गौर करेंगे बाबूजी, होता क्या है, यहाँ तर्ज लगल बाबा कौन गीत है, कभी जी लिखत हुवन, गीत बड़ी पुरान है ला बाबा, तो
अरे रोई मरब ये राजा, अरे रोई मरब ये राजा, जी बाजो पूर्व के दिशा, जय बाजो कसम दे देती है वह दीप सिखा। अगर सच्चा प्रेम करते हो अशोक तो उस प्यार की कसम है तुझे, चला जा और जा करके अपने माँ बाप के कहे अनुसार उस पूनम से शादी कर लो अशोक। यही मेरे तरफ से तोहफा है उपहार के, माँ बाप की खुशी में अपनी खुशी स्वीकार कर लो अशोक। चला गए अशोक, बांध दिया उस सिखा ने उसे कसम में, चला गए जवान कैलस का बाबू। मान के अशोक माई बाबूजी के बातिया के, मान के अशोक माई बाबूजी के बातिया के, नाम की लड़की से जा करके अशोक ने आखिर माँ बाप के बीच शादी कर लिया। शादी कर ललन बाबू, दिन बीतल अगल, कितना दिन का समय बीतल बाबा, अंतरा में कभी लिखत होना बा। माई हर में पारा लगलन जाई के नौकरी, नौकरी करत हुवन और वही नौकरी जॉब के दौरान पत्नी पूनम साथ में है, मालिक एक बेटी दे देलन और बेटिया के पैदा भइले। इधर अशोक माई पहुंचल हिन, आज जब अशोक माई बेटवा पतोही के लगे गइलिन, बड़ी खुशी है वो पोती के देख के अशोक माई बड़ी खुशी। धीरे 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 एक दिन जोन हमन के हिंदू धर्म में बेटवा खातिन माता बहिन एक व्रत उपवास रखेली बाबू, जोने का नाम है जीवतिया व्रत। जीवतिया का एक दिन का दिन रल माई मैहर में बेटवा पतोही के लगे गई लहिन, अपन खुशी का दिन बितावत है अशोक का माई बिटिया। उधर अशोक 4-5 साल का हो गई ला, गौर करिए एक दिन एक घटना घटत है। का घटना घटल बाबा आवा, कुछ दिन बीतल एक घटली घटना हो, तू
करेंगे बाबूजी। अब यहाँ थोड़ा सा कहानी मोड़ लेते। इधर बेटी तो 4-5 वर्ष की हो गई है अशोक की, माई वही जगह। अशोक तो ड्यूटी पर चला जाता था, लेकिन उसे क्या पता है कि उसके पीठ पीछे यहाँ कुछ दूसरा ही काम चल रहा है। कौन था? पूनम का प्रेमी। जब अशोक काम पर चल जाए, ड्यूटी पर चल जाए, तो इधर पूनम समय देख करके अपने प्रेमी को बुलाती थी। एक दिन बात फंस गई, बतिया का फसल लल जानत हुआ। वह अशोक का मतारी, अशोक का मतारी देखली कली की रोज आवाला। एक दिन अगर कोनो बात रहते, एक दिन कोनो काम रहते, लेकिन ये डेली आवत। चोरी हत्या पाप खुले आपसे आप। एक दिन वही अशोक का मतारी के शंका भई और भर नजर देखी ले ली आखिरकार। और जब देख लेती है तो बहू को समझा रही है। का समझाओ तीन बाबा तनी विदिशियाला। कहली माई काई कैलू करमावा हो, जानी से भी प्यारा तो है समझ ललनावा। बनल सिंगार तो हरी होला का धर्मवा हो, जानी जाबा लोग देख खैबू का मन मुहावा। ड्यूटी से आई लाली कही देब ओ से हाल, काल मेड़ रायल आजी माई के समनावा। गौर करिहन बाबूजी, अशोक की माँ अपनी बहू पूनम को समझाती है कि जान से प्यारा मेरा बेटा तुझसे मोहब्बत करता है, जान छिड़कला मार बेटवा तोहरी पर, और तू हमरी बेटवा के पीठ पीछे इतना घिनौना अपराध करत है। कहब आई अशोक तो हम कह देव न तो सुधर जो। कहती है कि माँ फिर मैं कल से ऐसा नहीं करूंगी, मुझसे गलती हो गई माँ, अब आप मेरे पति से नहीं कहेंगी, माँ मत कहिएगा कल से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन फिर वह नीच भूल जाती है सुबह होते ही और फिर वही काम दोहराती है। तब अशोक कमाई अब लाचार हो गई। अशोक की माँ बोल पड़ती है कि नहीं मानोगी तो मैं अपने बेटे से कह दूंगी। बोली कि नहीं माँ कल से ऐसा नहीं करूंगी, आप उनसे नहीं कहेंगी, वादा करिए। वादा कर लेती है नहीं करूंगी। लेकिन फिर प्रकाश दूसरे दिन आता है और पूनम उसके साथ अपना वही संबंध बनाती है। पूनम बता दे प्रकाश से कि देख ले ले है और ये कुछ न कुछ करी जरूर। तो देखा एक लाइन और बाबा का कैलस बुढ़िया का बात सुनी, अरे पूनम प्रकाश गुनी, अरे खुनी खेल खेल का बनवला योजना। दोनों मिलकर के योजना बना लेते हैं कि जब ये जान गई लिया अब एक जेले का कोनो अधिकार ना। वाह, यह दुनिया है, अपने तो पाप करबे करी, आपके भी पाप में डाले का पूरा पूरा प्रयास करे ले। देखे बाबूजी भयल का यहाँ कवि जी लिखत हो बिरहा के आखिरी तर्ज बाबा का।
आखिरकार दोनों प्लान कर लिए कि इसे नहीं जीने दिया जाएगा। दोनों मौका की तलाश में थे, नहीं है अशोक घर में, और उस बुढ़िया मतारी के अशोक के माई के दरवाजा बंद कैलन और बंद करके सब्जी वाला चाकू लेकर के चलल हुए दोनों, और चल करके वो बुढ़िया माई के पटक के गिरौलन आ गिराए कोई छाती पर चढ़ल बे पूनम। आ जब चढ़ल तो कैलस का माई हर बिलक बिलक के रोहत बे पहपट से भाव लगावा बाबा। तभी लग्य माई बोल पड़ी देखी छनवा जन्म मत मारा अके के टुअरा करवाई दर्शनवा जनवा मत मारा। चढ़ के नागिन छाती ऊपर कस के गला दबाई हो, बोरा में उलास के भरली रात में जंगल जाई हो, फेंक के वापस आ गईली भावनावा जनावा मत मारा। हो तो बिहान तब आ गईल सजनावा जनेवा मत मारा। आखिरकार अंत तो गत्वा परिणाम निकला बाबू जी। रो रही है अशोक की माँ, मत करो ऐसा मेरे साथ, तू यही चाहती है कि मैं अशोक से कुछ ना बताऊं। जा बहू, मैं अपने उस बेटे की कसम खा के कहती हूँ, तू कुछ भी करेगी मैं अपने बेटे से अब नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन मेरे प्राण को छोड़ दे, मेरी जान को मत। जो मेरा बेटा मैहर दर्शन कराने के लिए मुझे वहां से लेकर आया गए, तू मुझे मार डालेगी तो मेरा बेटा आखिर दर्शन किसको कराएगा? किसको मेरा बेटा दर्शन कराएगा? बेटी छोड़ दे मेरे, मुझे छोड़ दे। लेकिन दोनों नीच पापी अत्याचारी आखिरकार मानल ना बाबू, वो बुढ़िया का गला रेत दे और बोरे में लाश को भरे और भर करके लाश के लेके रातों रात जंगल धरा दे। तब कभी जी लिखत हुआ आल्हा लगवा बाबा। बड़ी ऊंची लाइन कवि जी लिखलन, कहा लिखलन आवा, धन्य भगवान धन्य तोहरा विधनवा दाता, अंधेर नहीं है। दुनिया का बिगड़ी बनावेला मालिक, आपके लाठी से केहू धरती पर बचल नागन न बची, यही कड़वा सत्य है। आज जौने बुढ़िया माई के मार के कुल बोरा में लाश भर के जंगल में ले जाके फेंक दलन और
वही पूनम अपने पति अशोक के आने के बाद सारी बात बता रही है कि माई सजवा के गईली सबेरवा के गईली दुपजवन ओकरे समझ में आयल तो उन कहले गईली अइली ना कहां गईली खोजत थैला पते ना। दो दिन बीता तीन दिन बीता आखिरकार अशोक अपनी माँ को ढूंढ रहा है कि मेरी माँ आखिर गई तो कहाँ गई, गई तो कहाँ गई, एक बार बता कि तो गई होती। लेकिन बाबू दो तीन दिन का दिन बीत गल और जब ना कहीं पता चलल माई का वह लड़किया परी जोने का नाम रहल बाबू बतौली कि चार पाँच साल का लड़किया रहल अशोक का। वो लड़किया एक दिन राति का सुतल ही पूनम और वो लड़की अपने पापा से बतावती है कि पापा जोने माई के खोजत हुआ माई का पता ना चलत वो माई के जानत हुआ का भेल का भेल। वो जौन अंकल आवल ना प्रकाश अंकल वही अंकल मम्मी मिल के मार लेलन आ मार के वही बोरवा में भर के पता नहीं कहाँ ले जाके फेंक देना। वही लड़की छोटी सी परी सारा भेदवे खोलत भी कहलिस और का कहलस तनी सुने बाबू खड़ी लगवा बाबा गईल बहू जड़ी तनी सुना भयल का बा माफ करिया माई नाम करवा वाली दरसनवा हो अपने पिता से दिल वाए अगनी दनवा हो हित नात सहदेव के सुनावल खरी जादे लालच में दुनिया गईल बहू जड़ी बाबूजी। वह छोटी सी बेटी जिसका नाम था परी सारे भेद को खोलती है खलस की पापा माई का तो गई ना माई के तो मम्मी मार के बोरवा भर के फेंक देलस हो पापा। तुरंत अशोक किसी से कुछ नहीं कहा और थाने पर गया है रपट FIR करवाया गया रपट लिखवाया और थाने से प्रशासन के लोग जब घर पर आए गए और पूनम से पूछताछ करे लगलन और जब पूनम से पूछताछ भइल पुलिस का डंडा पड़ल तो सारी बतिये बयां कर देलिस। अब महिला दरोगा पूनम को गिरफ्तार करती है और लेकर जा रही है लेके जाती तिठे बात कहली का कहली वो महिला दरोगा सुने तो होई के उदास बैठल रंगल भवनवा महिला दरोगा आके कहली तब समनवा बोला हम क्या आदेश तोरे खातिर का हम करी ज्यादा लालच में दुनिया गईल बाउजरी ज्यादा लालच में ही दुनिया गईल बाउजरी। वह महिला दरोगा कहती है जहां अशोक के पिता खड़े गए अशोक खड़ा गए और वह महिला दरोगा पूनम को पकड़ करके लेके जा रही है थाने की ओर उसे जेल होने वाली है गुनाह उसने कबूल कर लिया है हाँ मैंने गलती किया है। अब वही पूनम को लेकर जब महिला दरोगा जा रही है आदेश करिए मुझे क्या करना है कौन था वह अब यही रोवा खड़ा हो जी बाबू आपका कहे के पड़ल वह महिला दरोगा बोल पड़ती है क्या बोली आवा आईली निभावा तो से दोस्ती का फर्ज हो कहला सहदेव बेटी बाटा तोहर कर्ज हो गलती हमारा बिसरा दाम चरनिया धरी दुनिया गगिल बाउज
दरोगा बन करके पूनम को गिरफ्तार करने जो आई थी उस दरवाजे पर अशोक के, वह कोई और नहीं वही दीपशिखा थी जिससे अशोक बेइंतहा मोहब्बत करता था और दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन बारे लालच अशोक के पिता को लालच जागा और उन्होंने अपनी बेटे की शादी दीपशिखा से करके नहीं पूनम से विवाह कर दिया था। और वही पूनम को जेल लेकर जाती गए, वही दीपशिखा बोल पड़ी, बाबूजी मेरे लिए क्या आदेश है, मैं वही लड़की हूँ जिसे आपने ठुकरा दिया था, जिसे आपने शादी करने से ठुकरा दिया था, यही मेरा प्यार, यही अशोक है, इससे मैं प्रेम करती थी, लेकिन आपकी रजामंदी नहीं मिली और हम दोनों एक नहीं हो पाए। अब बताइए, मैं जा रही हूँ, पैरवा पकड़ ले, लेके जाए लगलिन दीपशिखा। तब वही अशोक के पिता पैर पकड़ लेते हैं उस लड़की दीपशिखा का। मैंने गलती किया बेटी, अब उस गलती को मैं दोहराना नहीं चाहता, मुझे माफ करना चाहती हूँ, अगर सच में मुझे बाप मानती हो तो माफ कर दे और माफी मैं तब मानूंगा कि मिल गई जब मेरे बेटे अशोक से तू विवाह कर लेगी। आय हाय हाय बाबू, जब इतनी बात अशोक का बाप कहलन, दीपशिखा और अशोक दोनों आकर के तब फिर एक हुए और पूनम को जेल हुई। और यही कहानी खत्म होती, हर बार बाप मतारी ही सही ना रहना, कभी बेटा भी सही होता है। इस गीत को गाने का मेरा यही तात्पर्य है बाबूजी, हर बार हम ही सही नहीं होते, कभी बेटा भी मेरा सही होता है। तो कहानी यही खत्म होती है, खानदान का परिचय है, लालच बुरी बला होती है, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारो जाके उसका घर देखो, नहीं करना चाहिए। कहानी हमारी खत्म हुई, खानदान का परिचय। गुरु बिहारी गुरु रमन फिर फुला फूल गुलशन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में, बतावा कहा जाई दुनिया दुश्याराम कबल मिटी पुराई, बतावा कहा जाई दुनिया अच्छा बाबूजी, पुनः हम गायिका नहीं तुराज आप लोगों के बीच में एक बड़ा ही दर्दनाक कांड, जो अपने ही उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर का, एक ऐसी कहानी जो अभी हाल ही हाल में आप लोगों के बीच में घटी है। प्रेमिका के पिता ने ली प्रेमी की जान, ये शीर्षक मिलेगा आपको। हम आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हमारे बड़े भैया ओपी जी के माध्यम से, ओपी म्यूजिक के सौजन्य से ही बिरहा आप लोगों के बीच में जात बा, आप सब लोगों के बहुत बहुत प्रणाम करत हनी। चार लाइन कवि जी बिरहा के भूमिका में प्यार के एक परिभाषा लिखलन, आइए मास्टर कहना है। नफा या हो नुकसान भारी उसे,
यार यारी निभाता है सब कुछ गवाई, हद कर दिया कभी की कलम ने। एक ऐसी ही घटना वर्णित सियाराम नीतू यहाँ पे जो चर्चा में आई। बाबूजी पहले तो हम आप लोगन से एक ही है रिक्वेस्ट करब कि खुदा करे किसी को इस धरती पर किसी से सच्ची मोहब्बत ना हो, और सच्ची मोहब्बत जिसे हो गई तो वह पूरा ताउम्र साथ बिता नहीं पाते, यही कड़वा सत्य है। यही कड़वा सत्य है। किसी ने भी प्यार किया चाहे लैला मजनू हो, हीर रांझा हो, श्री फरहाद हो, सोहनी महिवाल हो, जिसने सच्चा प्यार किया वो दोनों आजीवन साथ नहीं रह पाए। एक ऐसी ही सच्चे प्यार की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं अपनी जुबानी। कौन कव्वाली है, कौन गीत हवा तो यह गीत। अरे आंख से छलका, अरे आंख से छलका आंसू और जा टपका शराब में। लेकिन दू लाइन कवि जी बिरहवा में भाव लिखत हो न ओपी भैया का लिखल गई। मालिक तेरी दुनिया कैसी, मालिक तेरी दुनिया कैसी, कैसा तेरा संसार है। मालिक तेरी दुनिया कैसी, कैसा ये संसार है, कैसा तेरा संसार है, हाय सब बंदे तेरे ही हर पल में तकरार है। कहले का मतलब ये है बाबू की पूरी दुनिया में जितने लोग हैं चाहे नर हो नारी हो कोई भी प्राणी हो, लेकिन ये सब एक ही मालिक के बनाए हैं और सब उसी एक मालिक की संतान हैं। लेकिन के कैसे है, के कैसे है, के कैसे यह दुनिया का लोग हुन ए लिए कहे के पड़ाला कोई के कुछ अपने मुँह से कहे के ना चाहिए, क्योंकि सब मालिक के ही भेजे गए, सब मालिक के ही बनाए हैं। हम कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले, क्या बात। यही हमें सिखाया गया, यही से मेरे बिरह का अब कहानी शुरू हो गई बाबूजी। आवाज जनपद गोरखपुर का यूपी में है नाम सुने नौली दो बौली गोला थाना में गांव सुने वही के अनिश जी जो पढ़ते विश्वविद्यालय में दीप्ति मिश्रा भी साथे पढ़ी शिक्षालय में पढ़ाई करते ही दोनों में हुई यारी है हुए हैं पोस्ट ग्राम
पढ़ेंगे बाबूजी। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर दोबोली उनोली गोला थाना के रेखे वाले अनीश चौधरी विश्वविद्यालय में दीप्ति मिश्रा गगहा थाना के अंतर्गत और वही पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय में दोनों शिक्षा प्राप्त किए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए। और जब दोनों पोस्ट ग्रेजुएट हुए ग्राम विकास अधिकारी बने। इधर अनीश चौधरी और उधर दीप्ति मिश्रा दोनों में प्रेम प्रगाढ़ हो गया। और जब दोनों में प्रेम प्रगाढ़ हुआ तो भयल का बाबा एक लाइन यहाँ गीत सटत है, बड़ी सुंदर एक लाइन गीत लगल। आजकल का नयका लड़का गावत हुआ, का गावत हुआ समय पर अंतरा में कवि जी लिखत हुए अंतरा का हवा कई लिहले शादी खुशी देखे बाबूजी। आखिरकार दोनों प्यार किए, दोनों शादी कर लिए। दीप्ति मिश्रा और अनीश चौधरी दोनों कोर्ट मैरिज कर लिए। और इधर दीप्ति मिश्रा का बाबू इल्जाम लगा दे हलन। दीप्ति का बाप नवीन मिश्रा गईले थाने में, गईले तो का कहल है भाव है तर्ज कौन है। Yeah.
के शिकायत थाने में का कैलन दीप्ति का बाप आवा कही लह बिचार बाबूजी अनिस गद्दार बाबूजी बाबू आ जा करके बाबू उधर थाने में रिपोर्ट लिखवा दलन कि हमरे बिटिया के लेके फरार हो गए लनिस और न जाने कवन कवन जादू टोना हमरे बिटिया पर कर दिलस मती मार दिलस मार बिटिया ओकरे पीछे पागल हो गई सारी बात कह के एफ आई आर कह के अइलन घरे दीप्ति का बाप इधर अइलन त भेल का तनी लाता मालिक तो के फुर्सत से तवार के दिने बनुले हुआ कहलस गजबे के रूह दीप्ति का बाप जब थाने पर एफआईआर करता के शिकायत के दौरान प्रशासन के लोग अनिश चौधरी के घर पर पहुंचते हैं और जब घरे गईलन कलन की तुमने दीप्ति का अपहरण कर किया है तुम्हारे ऊपर एफआईआर है और अपहरण करके जिस लड़की को तुमने रखा है कलन ऐसा जितना इल्जाम लगाओ था कुल माने के हम तैयार हैं लेकिन जेकर अपहरवा के लिए वही से कहे ने पूछ लेता हम समन्वय तोरे लिया दे थैला जब दीप्ति आई तब बतावत थी प्रशासन के लोग खड़ा हुए और सबके सामने वह बता रही है लड़की का देहलस बयान आवा दीप्ति बताई हम कैली हली शादी ना भगली सुना बतावत भगली सुना
का फैसला लेने का हक बनता है। इतना तो मैं पढ़ी लिखी चुकी हूँ, इतना तो समझदार हो ही चुकी हूँ कि मैं अपने जिंदगी का अपने जीवन का फैसला खुद कर सकती हूँ। और जो मेरे पिताजी ने आपके सामने ये बयान किया है FIR के मुझे भगा कर लाया नहीं साथ, मैं भाग कर नहीं आई हूँ, मैं अनीस से प्रेम करती हूँ और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया है। और जब मेरी शादी अनीस से हो चुकी है तो जाहिर सी बात है लड़की ससुराल में ही तो रहेगी और मैं तो ससुराल में हूँ सर। इतनी बतिया कदे माई बाबू हमारे खतून की पागल हो गई है। अब यहाँ पागल के है सरकार सुना कहत बे, यहाँ प्रशासन को लोग कैलन का आवा। अरे उल्टा पड़ल बेट उनके कपारे, बाबूजी जब इतनी बयां वाली लड़की देती है न भागल ही साहब न परायल है न पगलायल है। हम अपनी राजी खुशी से दोनों प्रेम करते थे, दोनों शादी कर लिए, कोर्ट मैरिज किए हैं सर। तब यही जकन नवीन मिश्रा के उल्टे बेट पुलिस को पड़ल बाबूजी। इधर नवीन मिश्रा हताश हो गया, हार गया कि जब बेटी वह बयान दे देती है तो एकदम जिसे खिसियानी बिल्ली खम्हान उचे वो वाली हाल भइल नवीन मिश्रा का। अब अलगे से एक दूसर साजिश रचल, यहाँ वो तब फेल हो गई ना। अगली साजिश का रचला और बड़ी भयंकर साजिश रचते है। क्या साजिश थी सारंगा में लिखल गया बीतल। और एक दिन बड़ी जबरदस्त साजिश रचले है का करिए सुना। चाचा के साथे अपने आनिस जवानवा हो, आनिस जवानवा हो गैला गोपाली गंजबा जहां रजी। 24 जुलाई गुरु करेंगे बाबूजी। एक दिन अनीस अपनी चाचा के साथ गोपालगंज बाजार करने गया था और गोपालगंज बाजार करके जब लौटे लगलन बाबू दिन कवन रहल है 24 जुलाई 2021। इसी 2021 24 जुलाई जो गुरु पूर्णिमा का दिन था जहां हिंदुस्तान के लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे थे और उसी गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अनीस चौधरी के साथ बहुत बड़ा हादसा होता है। जहां 24 जुलाई का दिन था बाबूजी, जहां हिंदुस्तान के लोग गुरु दरबार में अपनी अर्जी लगा रहे थे और वह मनहूस दिन आया अनीस के लिए। वह गुरु पूर्णिमा का दिन मनहूस साबित हुआ कुछ गुंडों के साथ लेकर के। इधर नवीन मिश्रा
रास्ता छेक लेलन बाबू, छेक करके वही मौके पर इतना मरलन बाबू, पूरी बदन उसकी छलनी छलनी हो गई, पूरी बदन छलनी छलनी हो गई। आप समझ रहे होंगे कि उस समय का हादसा, वह दर्द कैसा रहा होगा। टेरी में कवि जी लिखत हूँ, कहा लिखलन बाबा, कसाई भाई बाबू बन गए, गुंडा भेज के अपन मरवाले जमोई, कसाई भाई बाबू बन गए, गुंडा भेज के अपन मरवाले जमाई हो, कसाई भाई बाबू बन गए। इतना मारा आखिरकार अंत तो गत्वा परिणाम निकला, अनीश चौधरी मौके पर दम तोड़ देता है, और जब देख लिया कि मर गए तो सब फरार हो गए। अरे बाप रे बाप, आज जब फरार हो गई लंत कुन, तो इधर भइल का बाबा आवा, अरे लहस के ऊपर घायल चाचा, अरे देवी लाल तब करई पुकार, अरे सुनकर क्षेत्री लोग जुटे हैं, गांव में मचलई हा हा, अरे गजब हुआ यही सभी कह रहे, खबर गई जब आनी सिद्वा, खबर गई आखिरकार वो लाश पर, अनीश के चाचा बुरी तरह से बाबू छाती पीट पीट करके रो रहे हैं। देवीलाल जिनका नाम था, अनीश के चाचा देवीलाल रो रहे हैं। क्षेत्र के लोग, अगल बगल के लोग आए, उस रोहाई को आवाज को सुन करके जब दौड़े हैं, आए देखे सबकी आंखों से झरझर झरझर आंस चल रहे हैं। बाबू कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना बड़ा जात पात के भेद में हम और आप मर रहे हैं। आज धीरे धीरे जब वह खबर पता चला दीप्ति को, छाती पीट पीट करके वह लड़की दीप्ति जो ग्राम विकास अधिकारी थी रो रही है, मेरी तो दुनिया उजाड़ दिया भगवान, रो करके ठिप बात कहलिस बाबा, कहा कहलिस, हमके याद जाला वही में छोड़ गई ला सजना हो, मैं जिले का कुन सुख पौली, न शादी का कोई सुख पौली, न आधी न थोरी, ऐसे यहाँ अदजल में हमके छोड़ के कहाँ पर आ गईला। रोवत बड़ी दीप्ति मिश्रा, ए बाबू जिकरे रोले बन का पतई झरत बा, बारे भगवान ऐसन परिवार कभी लोग होलन, जवन माई जवन भाई जवन बाप इतना प्यार दुलार दे के बेटी के बड़ा करेलन हो बाबू, आज
वही बेटी बेटा खातिन इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन जालन बाबू, कैसे बन जालन। एक बात कहती है वो लड़की और कहा कलस पापड़ से भाव बाबा। कि बहिनी के सुख ना देखल बिरानवा मन वा बाउर बा, अब बाप के दिल में बैठल बा सैतनवा मनवा बाउर बा। अरे जात पात का झूठी शान में भाई बाप भाई पागल हो, सुबह छपाई अखबार तो पढ़ के सबको सदमा लागल हो। अपने बिटिया का लूटला बा जहनवा मनवा बाउर बा, आखिर कबले जरी है हिंदुस्तानवा मनवा बाउर बा। वही भाई बाप आखिरकार अपने की बहन बेटी की दुनिया उजाड़ कर कैसे सुखी रह सकते हैं, ये सवाल है मेरा आप लोगों से। इतना ही दर्द था तो और पहले कुछ एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन जब उसने अपनी दुनिया को बसा ही लिया तो छोड़ दिया गया होता उसे उसके हाल पर। यही मेरे आप लोगों से कहना है। लेकिन कभी लिखते हैं आल्हा लगावा जात पात के भ्रम में, अब ही हम लोग डूबत उतरिया थे कहे के पड़ल आल्हा लगाओ बाबा। बात याद आ रही है 50 साल पहले भी लोग प्यार से जलते थे, 100 साल पहले भी प्यार से लोग जलते थे, लेकिन आज भी प्यार से जलने वाले लोग हैं। ये कहानी दर्शा रही है क्या होता है प्यार। कवि जी लिखत हुन आवा जाति पाति मजहब से बढ़ के प्यार पावन बाबू, बड़ा प्रेम है सबका ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है, सभी उस मालिक की संतान है और सबका खून लाल है। फिर क्यों जाति पाति मजहब में पड़े हैं? जाति पाति से उठकर ऊपर आइए, प्रेम दुनिया में सबसे बड़ा कुछ है इस संसार में तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्रेम। प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है बाबूजी। लेकिन बाहर दुनिया के लोग अभी भी जाति में फंसे हुए हैं। कहाँ जा रहा है हिंदुस्तान? तो कभी जी लिखते हैं, क्या लिखे आखिरी लाइन है, तो ऊंच नीच का विचार जबल रही है देश में,
ननवा सुनई है देश में, पुलिस करे सबके गिरफ्तार हो, जल्दी न्याय मिली सब ही फसल बाकेस में, तब ले आए दिन घटनवा सुनई देश में, कानून के हाथे में जे ले मोर भाई, अपन सत्यानाश कई के जलवा में जाई, अपने घोड़े में कुल्हाड़ी जबल मरी देश में, अपने घोड़े में कुल्हाड़ी जबल मरी है देश में, तब ले आए दिन घटा नवा सुनई है देश। बाबूजी आखिरकार जब से ऐसे ऐसे लोग छुआछूत से और जाति मजहब से ऊपर उठ करके नहीं आएंगे, तब तक ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी, आए दिन होती रहेंगी। यही कहानी समाप्त हुई। खानदान का परिचय, 17 लोगों का नाम दर्ज हुआ जिसमें 4 लोगों को जेल हुई और 4 लोग आज भी जमानत नहीं हुए जेल में। कहानी लिखे जाने तक 4 लोग अभी भी जेल में है, कहना पड़ा। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे थे इसी वतन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में, कसाई माई बाबू बन गए नीतू सिया राम का रक्षक मैहर माई, कसाई माई बाबू बन गए। अच्छा बाबूजी, हम गायिका ऋतु राज अपने बनारस सारनाथ की माटी से एक बिरहा आप लोगों के बीच में, हम आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे बड़े भैया ओपी जी के माध्यम से, ओपी म्यूजिक के सौजन्य से ही बिरहा आप लोगों के बीच में जात बा। आप सब लोगों के बहुत बहुत प्रणाम करत हनी। आशा की ना विश्वास बटे की आप लोगों के पसंद आई। एक बार पुनः आप सभी लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। Oh,
भूमिका के अंदर भाव लिखलन। हमार दावा है बड़ी बिरहा आप लोग सुन ले हुई है महाभारत से, लेकिन आप लोगन के बीच में जब भी नीतूराज आवेली तो कुछ न कुछ नया लेके आवेली। कोई गजल बदल दे, कोई धुन बदल दे, लेकिन नीतूराज बिरहा बदलने का काम करती है, और वो देन है हमारे कवि सियाराम यादव जी की। चलिए बाबा, कहना है फिर एक नई बिरहा महाभारत से, एक नई खोज। आवा कोई मरना न चाहे जहां में कभी, जबकि निश्चित है दुनिया से सबको है जाना। खौफ है मौत का सबके दिल में बसा, लंबी आयु का वरदान मांगे ये जमाना। गम हजारों है मंजूर मौत नहीं, कोढ़ी मांगे गली दर गली मानी दाना। अरे घोर ज्ञानी जो सुख देव मुनि की कहानी, सिया राम लिखते है अद्भुत फसाना। महाभारत से वीर अभिमन्यु जेकर बेटवा रहल राजा परीक्षित, वीर धनुर्धर अर्जुन का पोता राजा परीक्षित कई कहानी है। गौर करेंगे बाबूजी, भूमिका में बड़ी अच्छी बात कवि जी लिखलन। ए दुनिया में एक कोढ़ी के भी अगर मौत कह देवल जाए कि काल तुहार मौत है, तो आजे चिंता कई के मर जाए। वाह, मरना तो एक दिन सभी को है। आइए बिरहा कैसन है हम बताई बाप लोगन के। एक लाइन यहाँ गजल है बाबा, कवन गजल है? हाय हाय हाय, कौनो लड़का कहत ऐसा पहली, अरे ऐसा पहली बार हुआ है, 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 ऐसा पहली बार हुआ है। हमको 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 किसी से है प्यार हुआ है, हमको किसी से है प्यार हुआ है, हमको किसी से हुआ है, हमको किसी से प्यार हुआ है। छोड़ दाई तो गीत गजल के भाव अजय के, जहां सटावत बने सटा ले बाबा। क्यों के अल्लाह से प्यार है, क्यों के राम से, क्यों के श्याम से, ये तो जहां सटाएंगे सट जाएगा, लेकिन आइए दुलाइन भाव हो का। हाय हाय हाय, यही दुनिया की कड़वी सच्चाई है जवन कवि जी लिखत हुवन का। जो आया अरे जो आया एक दिन जाएगा, जो आया एक दिन जाएगा, जो आया एक दिन जाएगा, एक दिन जाएगा, एक दिन जाएगा, जो आया एक दिन जाएगा, नाम अमर नाम अमर बस रह जाएगा। बाबूजी,
जो आया एक दिन जाएगा, नाम अमर बस रह जाएगा। तो जब जाए के है तो कुछ ऐसा काम कह के जा कि गईले के बाद भी लोग याद करें। क्या कहना है, यहीं से कहानी शुरू है बाबा। उतराय अभिमन्यु के पुत्र परीक्षिति, लगा था श्राप सातवे दिन मौत थी निश्चित। भैसे भागीरथी में एक मचान पे रहते, सुखदेव महामुनि वही पाठ पे पढ़ते। उदास का भी राजा छठा दिन है जब बीता, देखे महामुनि तो उनको हो गई चिंता। रोने लगे महाराज तो ये देख कर व्यथा, सुनाए महामुनि उनको आखिरी कथा। आजा भैया तनी से बात के समझ नहीं बाबूजी, बतौली की राजा परीक्षित का कहानी है। राजा परीक्षित के श्राप लग गए कि आज से ठीक सातवें दिन तुहार मौत है, तू मर जीबा, जाओ तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, आज से सातवें दिन तुम मर जाओगे। एकरे पीछे कहानी लंबी है, लेकिन यही से हम आप लोगों के बताओ थी। राजा परीक्षित जब जान गए ना कि आज से सातवें दिन हम मर जाब, तो चिंता हो गई। राजमहल छोड़ करके जाए के गंगा में मचान डालो, वही मचान पर रह लगल। अब वही मचान पर तो सुखदेव मुनि को बुलाए, वही बोलवौला न बोलाए कि वही जकन सुखदेव मुनि से कहलन कि अब तो सातवें दिन मर जाए के बड़ी चिंता। तो कहलन का आदेश है, कहलन कि है आदेश है निवेदन है कि हमके भागवत कथा सुना दा। सुखदेव मुनि भागवत कथा बाचे लगलन। एक दिन बीतल, दो दिन बीतल, चार दिन, पांच दिन, छह दिन, छठवां दिन जब सुखदेव मुनि भागवत कथा बाछे लगलन, राजा परीक्षित फफक के रोवे लगलन। सुखदेव मुनि भागवत कथा बंद कर दिए और ज्यो बंद करत हुन त्यो पूछ बैठलन की बतावा परीक्षित रोवत काहे हुआ। कलन रोवे के बात करत हुआ, अरे काल हमें मर जाए के तू कथवा रोवत काहे हुआ, काल हमें मर जा रोई ना तो का करी हंसी। कलन की मरे के ते एक दिन सबके है राजा, अब मरले से इतना डर है। कलन की अरे महाराज ये कवन बात कर दो। कलन की भागवत कथा हम आपके न सुनाई, एक कहानी हम आपके सुनाओती राजा, एक कहानी के परीक्षित तनी ध्यान से सुने। अब सुखदेव मुनि जवन कहानियां राजा परीक्षित के सुनावत हुन वह कनियां कहानियां नीतू राज आपके बिरहवा में सुनावे चलती। तर्ज लगल बाबा, कवन तर्ज हो? मोटा गई लो कहत बाऊ लड़का का कहवन विटामिन खा ले दिने पर दिन चिकन आ ले, कहवन विटामिन खा ले दिने पर दिन चिकन आ ले, कहवन विटामिन खा ले दिने पर दिन चिकन आ ले, कहवन विटामिन खा ले दिने पर दिन चिकन आ ले, तो एक पर कमर हा परिचित ज्ञानी सुना बचवा का कहानी सुना, परिचित ज्ञानी सुना बचवा का कहानी सुना, परिचित ज्ञानी सुना बचवा का कहानी।
एगो राजा रहला माना मोरा बतिया ए बेटा धीरे धीरे कैल जंगल भैली रात की बा खतिया रे बेटा धीरे धीरे राजमहल से गईला राज्य में अपने शिकार करें आ शिकार करत करत घनघोर जंगल में कब अंदर पहुंच गईला पता ना चलल आ जब वापसी करे लगला तो रात हो गई जंगल से रास्ता भटक गईलन और जब रास्ता भटक गईलन तो रात के जंगल में सोचे लगलन का सोचत हुवन करी तो का करिए जंगलवा में कहा रात बिताई बहरे रह जंगल में शेर बाघ खा जाइ यह सोचते सोचते अगवा बढ़त हुवन तब तक एगो कुटिया आ जब वो कुटिया पर राजा का नजर गई देखला कले हैं बस बस ऐसे बढ़िया रहे का रात बितावे के दूसरा स्थान हो ही ना सकत राजा गई लो कुटिया में आ जब वो कुटिया में जाए के देखा तो भयल का यहाँ एक लाइन बड़ी बेजोड़ तर्ज है बाबा कवन तर्ज है बाबा के जोतवा के कुछ छिटवा दे कुछ उगबे करी ऐसा परती रही तो का मिली तबले एक तो ट्रैक्टर वाला के देखलस तो कहले से ए ट्रैक्टर वाले तनी खेत जोत दा जोते लगल एके पसंद ना आयल ओकर काम तो ई कहले से का कहले से अरे मीठा मीठा बोल के तू मुझको फसाया थुवन भी रहा सुने वाले बाबूजी लोग गौर करेंगे अरे कहे महाराज आज बनी जा सहारा राया जवन कहा
जलजला सा बहुत ही एक अद्भुत व्यक्ति, एकदम करिया जट, एक कोना पकड़ के बैठल ह। इतना गंदा वो कुटिया रहल कि राजा का नकुरा फटत बा, नकुरा मुनले हुआ फटत बा। राजा कलन की ओर हे कुटिया में कैसे गुजारा हुई, लेकिन फिर पीछे ताकत तो जंगल बा, शेर खा जाई। राजा कल एकरे अलावा दूसर रास्ता हमरे पास ना ही बा। राजा वो कुटिया के मालिक कोल भील से हाथ जोड़ के कहलन, आज का रात एक कुटिया में हमके बिता लेवेदा, जवन कहबा तो के हम रुपया पैसा दे देब, हम बहुत बड़ा राजा हिला। जंगल का रास्ता भटक गलली, सवेर होई तो चल जाम। तब ले उ जवाब देलस कुटिया का मालिक कोल भील, का जवाब देलस सुना। बोला है अधीर एक पाई नहीं लेबे, कुटिया में रह नहीं देवे, रह नहीं देवे, रह नहीं देवे, रह नहीं देवे, रह नहीं देवे। काहे अरे कर बस सवेरे तू लड़ाई, कर बस सवेरे तू लड़ाई, के राया तो हमके ना चाहिए, मालिक कोल भील कलस के जवान चपड़ चपड़ आई के बतियावत हुआ। थक जा यहां से, एक कुटिया में हम तोके रहे ना दे, कलो काहे कलो जी आवला हूं, एक कुटिया में रह जाला, जाए का नाम ना लेला। वाह, कल एकदम बेवकूफ समझत हुए का हम राजा महाराजा खैला, ए कुटिया में तोरे नकुरा फटत बा, एकदम रहना जात बा, कतवे की जी आवला, कुटिया छोड़े का नाम ना लेला। कलस की हां, और रहल सवाल पैसा रुपया का लालच हमें मत दा, हम पैसा उसा ना लेब। लेकिन कहलस एक लाइन तेरी लगावा, का कहत राजा से, बड़ी ऊंची बात कहलस, अरे मकानवा ना किराए पर दे, अरे मकानवा ना किराए पर दे, लगवा लड़े तू आपन कही के होत बीघनवा, अरे बीघनवा, अरे बीघनवा, कनवा ना किराए पर दे, लगबा लड़े तू आपन कही के होत बिहनवा। एस ना देला सरकार, जे आवाला सवेरे जाए का नाव ना लेला सरकार। कला वो होई कोनो गरीब आदमी, ओकरे अटत न होई घर द्वार न होई, वो रही हम राजा महाराजा है, हम तोरे कुटिया में का करब रही के। यार राजा चिरौरी करत हुन बड़ी बेजोड़, यहाँ एक लाइन गीत लगल, कोनो दुल्हीन चाहे कोनो मेहरारू लेला, ओके बड़ी गर्मी लगत छे, अपने दुल्हा से कलस की का हो, अरे एक ठे एसी लगवा देता, बड़ा गर्मी लगत है, कहत है का कलस तनी तर जे बाबा। आयल गरमिया के दीन गे पिया, दीन गे पिया, बनिया डोलादा, दीन गे पिया, दीन गे पिया, बनिया डोलादा, दीन गे पिया, बनिया डोलादा। बनिया डोलादा राजा, बनिया डोलादा राजा, बनिया डोलादा, बनिया डोलादा राजा, बनिया डोलादा राजा, बनिया डोलादा राजा, बनिया डोलादा। नैहर का पानी सवा खीन गे, सवा खीन गे, मोर
सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करत हुन। राजा कहला तू मान हो सीरी मान हो चल जैबा बिहाना। हीरा मोती जवाहरात दे देव हमके एक रात अपने कुटिया में गुजारा कर लेवे दे। बरे शेर बाग खा जइया काहे ना मानत हुआ कोल भील हाथ जोड़त ही मान जा। कोल भील कलस की ठीक है राजा जब इतना चिरौरी करत हुआ तो जा हुआ पछू का कोना पकड़ के दबक जा बाबा। अच सांस सांस उतने लिया जितना जिए भरे के होसे बेसी अगर सांस ले हला एको दाई खोखला तब जान लिया कि तुरंत उकुल मत पूछा। राजा कहला कि भाई और कोनो शंका उनका होई तब कहला कि उकुल दबाई के रखिया सुबह रहे करा कलन की सुना जा वही कोना में पकड़ के बैठ जा गौर करेंगे बाबूजी। इधर राजा जाए कि वो पछू को कोना पकड़ना बाबू दबक कोई जो कोनरी पकड़े कैसो राहत बीतौने याद रहे लेकिन वह कोना पकड़ ले वही कोना उठ्या। लेकिन ये बात याद रखा कि सवेरे ही घरवा छोड़ के तुहा जाए के है मत भूला जाया। राजा कहला रे जवन तोके कहे के कहले रात भर सुने के तोर पन राजा पकड़ना हो गए सवेर। और जब सवेर भयल तो का भल बाबा यहाँ तर्ज आखिरी बिरहा कह का सासुरे से रूसली बाती रियावा न हो थैली नहीं हरे करा। सासुरे से रूसली बाती रियावा न हो थैली नहीं हरे करा। सासुरे से रूसली बाती रियावा न हो थैली रात भर रहे लारा जानवा न हो होई कहिले बिहान। रात भर रहे लारा जानवा न हो होई कहिले बिहान। रात भर रहे लारा जानवा न हो होई कहिले बिहान। डर रल हुआ भयल का भयल की है कहत हुवन कहे राजा घर नाही छोड़ पाए भैया।
रही जौना खातिर अलगा पहली उहे पड़ल बखरे। अब जवन राजा कहलन कि एक रात से बेसी न रब सवेरे चल जा तोर कुटिया बसात बा महकत बा नकुरा फाटत बा। आज उहे राजा सवेरे कुटिया छोड़े के तैयार ना हवन। सोच गया कोल भील कहा कि इसीलिए मैं इस कुटिया में किसी को रात भर रहने के लिए आदेश नहीं देता हूँ, नहीं रहने देता हूँ। और वही हुआ राजा तुम्हारे साथ। अभी रात को आपने कहा कि कुटिया छोड़कर सुबह चला जाऊंगा, मैं राजा हूँ, फलाना हूँ, ढकाना हूँ, इतना हवाला देत रहा हा। अब इतनी पार जाए कब वक्त बोल तो कदुआ ना जा। राजा कनक खबरदार, नहीं जाऊंगा मैं इस कुटिया को छोड़ करके। अब घूम घूम के कोल भील सबसे हाथ जोड़ दा, हमार कुटिया दिया दा, हमार कुटिया दिया दा, हमार कुटिया दिया दा। अब बोल पड़े सुखदेव मुनि, आए परीक्षित, अब यही मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। का कहलन तनी पहापट लगावा बाबा। तो कहे मुनि परीक्षित तुम बताव दावा के करबा, राजा हो या कोल भील समझावा दावा के करबा। अरे कहे परीक्षित कोल भील के घर दिलवाई मैं आज हो, वो राजा का नाम बतावा जकर नाम बल्लाज हो। चला आयो के फिर यही बोलावा दावा के करबा, अरे आखिर में गुरुदेव ना अजमावा दावा के करबा। बाल पड़े परीक्षित, क्या कह रहे हैं गुरुदेव, कुछ कहना चाहते कला। अब यही हम अपन कहानियां रोकत हैं। अब हमें राजा आप जवाब दा कलंक, हा कलंक है जवाब दा कि वो कुटिया का जबरन मालिक बन बैठलन राजा, वो कुटियावा राजा कह कि वो कोल भील का जवन एक रात खातिन देहले है। वाह, समझाओ मुझे आए परीक्षित, वो कुटिया का असली मालिक कौन है। वाह परीक्षित कलन की ए गुरुदेव, अब इतना हल्का हमें मत समझा। कलन का कलन की, अरे यह जानल चाहत हुआ कुटिया के कर, हमार बात सुना, आप तक काल मरी जाए के है। तनी और राजा का हमें नौवा बता देता जवन जबरी वो कुटिया के मालिक बन बैठल है। कलन नाम बताई, कलो ओकर नौवा बतावा गुरुदेव, अब तक काल मरी जाए के अजमावा मत। बा, बा, बा। तब यही जकन बड़ी ऊंची बात एक लाइन सुखदेव मुनि सिखावत हुवन राजा परीक्षित के। कवि जी आल्हा में भाव लिखलन, का लिखल गई लवा। बहुत ऊंची बात कवि जी लिखे, बिरहा के अंदर समझदार कोई सारा काफी होता है बाबूजी। क्या लिखे, एकठे अंगुरिया कोई के ऊपर उठाई बा बाबू, करेला
बड़े सुखदेव मुनि बाबू जी खलन किए राजा आए परीक्षित उस अत्याचारी राजा का नाम पूछ रहे हो जो कोल भील की कुटिया का जबरन मालिक बन बैठा है। हाँ गुरुदेव, मैं उसी अत्याचारी राजा का नाम जानना चाहता हूँ जो उस राजा कुटिया के जबरी हड़प ले ले हा। और जल्दी वो राजा का नाम बताओ गुरुदेव, अब तक कल मर जाए के हा? तब मरे के है ये अकाल ते आज कुछ कह के जाई, कलन जानना चाहते हो कौन है वो, सुन लोगे उसका नाम? कलन गुरुदेव काहे न सुनो, वो के सजा भी दे। कलन तब सुनो का बतौलन बाबू, तनी ध्यान दिया आखिरी लाइन है बाबा। लगला बतलावे अरे तब नदी के तीरवा सुनता नाम महाराज का झुकल बसीरवा। अरे हम अज्ञानी जान सबके जाए के बनिश्चिति, शिक्षित कुल खानदान अरे अभिमन्यु कबीरवा सुनता नाम मंगराज का झुकल बसीरा। भागवत कथा बाज के सुनावती पढ़ के सुनावती, लेकिन कल मर जाना है, कल मर जाना है, कल मर जाना यही रट लगाए बैठे हो। जानते हो जिस शरीर को छोड़कर तुम्हें जाना है यही वो किराए का घर है, इसी मिट्टी के मकान को छोड़कर के तुम्हें कल जाना है। वो राजा कोई और नहीं, वो राजा हो तुम। तुम वो राजा हो जो इस मिट्टी के मकान को छोड़कर जाना नहीं चाहते। क्यों इस मोह में फंसे हो? जानते हो दुनिया में जो आया है एक दिन चला जाएगा। अगर जन्म निश्चित है परीक्षित, तो मौत भी निश्चित है। क्या तुम्हारे कुल खानदान के जो आए हो नहीं गए? जाना है सबको एक दिन जाना है। अरे बाप रे बाप, इतना बतिया जब सुखदेव मुनि का सुनल है राजा परीक्षित भयल का बाबा, अरे सुन के गुर का बात खुल लाए भ्रम के कपाट हो। अरे दुनिया जाना सातवे दिन सरपली हले से काट हो, घाट ऊपर नर नारी जुट के बगावनी रवा, सुनता नाम महाराज का झुकल बासीरा। बिना गुरु ज्ञान किसी का नहीं पूरा हुआ है। सभी को एक गुरु की जरूरत पड़ती है बाबूजी। आज सुखदेव मुनि भ्रम दूर कैला राजा परीक्षित का, दुनिया का लोग जाना ना सातवें दिन सर्प ने राजा परीक्षित को डसा और राजा परीक्षित की मौत हो गई। तो ये रही कहानी, जाना एक दिन सबको, लेकिन जे जाही के हा तो कुछ इतिहास बना के जा। हमार कहले के ये मतलब बाबू, गईले के बाद लोग याद करे न कि गारी दे। तो यही हमारी कहानी खत्म होती है, खानदान का परिचय है। आवा गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा भी गए चमन से, मोहन सीता राम भरत जी पूजा सदा सुमन से, मकनवा ना कराए पर देई तू सिया राम का यही सा गोला गन।
नामा।